नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है स्कॉलरशिप टेस्ट। जी हाँ, अनअकैडमी रेस आईआईटी जेई, ये आईआईटी जेई कैटेगरी में होना है, रैंक एक्सेलरेटर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। दोस्तों इसमें क्लास टेंथ के बच्चे भाग ले सकते हैं, क्लास इलेवंथ के बच्चे भाग ले सकते हैं। क्लास टेंथ के लिए ये एग्ज़ाम दोपहर 12 से 3 होनी है 10 जनवरी को, और क्लास इलेवंथ के लिए एग्ज़ाम 10 जनवरी को ही होगी, लेकिन वो 3 बजे से 6 बजे तक होगी। ठीक है, इसमें आप आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रिवार्ड्स जो है क्लास टेंथ के बच्चों को देना है, जिसमें पांच बच्चों को 2 साल का आईआईटी जेई का प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो क्लास टेंथ के सभी बच्चे तैयार हो जाएं, इसमें ज़रूर भाग लें। यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट में क्लास टेंथ के बच्चों के लिए सिलेबस क्या है। तो यहाँ केमिस्ट्री का जो सिलेबस दे के रखा है, पीरियडिक टेबल है जिसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट दे के रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथमेटिक्स में जो है ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, पॉलीनोमियल है और अल्जेब्रा है, और यहाँ पर बाकी के सारे टॉपिक्स देके रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्लास टेंथ के बच्चों के लिए सिलेबस है। यहाँ क्लास इलेवंथ के जो बच्चे भाग लेंगे उसमें भी टॉप 5 रैंकर्स को 1 ईयर का आईआईटी जेई का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और उनके लिए जो है सिलेबस पूरा का पूरा, उनका इलेवंथ का पूरा सिलेबस होना है। ठीक है, और ये दोनों एग्ज़ाम 10 जनवरी को होने वाली है। दोस्तों ये पूरी एडुकेटर्स की टीम है जो इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें अमित गुप्ता सर हैं, विशाल जोशी सर हैं, अमरनाथ सर है, सुरेंद्र सर है और अखिलेश सर हैं। यहाँ आप जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आपको लिंक दे के रखी है, आप उस लिंक के माध्यम से आप इस पेज पर पहुँचेंगे। अगर आप एनरोलमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपको अगला पेज ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पर एक प्रोमो कोड डालना होगा। प्रोमो कोड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपका प्रोमो कोड होगा पवन वाघ। अगर आप यहाँ प्रोमो कोड डालते हैं पवन वाघ, तो इस एग्ज़ाम में आप फ्री में भाग ले सकते हैं। तो जल्दी से अपना एनरोलमेंट कीजिए और जीतिए फ्री सब्सक्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन वाघ अकेडमी, और मैं हूँ आपका इंग्लिश दोस्त। दोस्तों हमने कल ही द इंचकेप रॉक, जो कि यूनिट 2.3 ऑफ क्लास 12 है, हमने वो पोम खत्म कर दी है और हमने देखी है। और उसके बाद अभी उस पोम का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन है वो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं। पर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन शुरू करने से पहले एक बार पोम को हम रिवाइज कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर हम चलेंगे इसके ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइजेस की ओर। ठीक है, तो मैं एक बार पोम को पढ़ लेता हूँ आपके लिए, रीड कर लेता हूँ, और उसके बाद में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, द इंचकेप रॉक, नो स्टर इन द सी, नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी, द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी, द सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, हर किल वॉज स्टेडी इन द ओशन, विदाउट ईदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक, द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक, so little they rose, so little they fell, they didn't move the Inchcape bell, the abbot of Aberbrothok had placed the bell on the Inchcape rock, on a buoy in the storm it floated and swung, and over the waves its warning rung, when the rock was hit by the surge's swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock, and blessed the abbot of Aberbrothok. The sun in heaven was shining gay, all things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled around, and there was joyance in their sound. The buoy of the Inchcape Bell was seen, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rover walked his deck, and he fixed his eye on the darker speck. He felt the cheering power of spring, it made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. His eye was on the Inchcape float. Quoth he, my men, put on the boat and row me to the Inchcape rock, and I'll plague the abbot of Aberbrothok. The boat is lowered, the boatmen row, and to the Inchcape rock they go. Sir Ralph bent over from the boat, and he cut the bell from Inchcape float. Down sunk the bell with a gurgling sound, the bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothok. Sir Ralph the rover sailed away, he scoured the seas for many a day, and now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland's shore. So thick a haze
overspreads the sky. They cannot the see the sun on high. The wind had blown a gale all day. At evening it had died away. On the deck the rover takes his stand. So dark it is, they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is a dawn. There is the dawn of the rising moon. Canst hear, said one, the breakers roar, for methinks we should be near the shore. Now where we are I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. They hear no sound, the swell is strong. Though the wind had fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering rock. Oh Christ, it is the Inchcape rock. Sir Ralph the rover tore his hair. He cursed himself in despair. The waves rush in every side. The ship is sinking beneath the tide. But even in his dying fear, one dreadful sound could rover hear. A sound as if with the Inchcape bell, the devil below was ringing his knell. By Robert Southey. देखो ये पोम इस पोम में क्या कहा गया है, इसकी स्टोरी क्या है. जैसे मैंने कहा है कि एक यह एक बैलड है, और इसकी स्टोरी क्या है कि एक पादरी है ना, वो क्या करते हैं कि भाई लोग इंकेप रॉक, एक ऐसा ऐसी चट्टान है, समंदर से उभरी हुई ऐसी एक चट्टान है जो बहुत लोगों को वो समंदर के अंदर अचानक से उभरी है, तो बहुत लोगों को उसका अंदाजा नहीं आता है. खासकर तब जब वो समंदर में उफान आता है, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं कि समंदर का पानी, उसका लेवल जब बढ़ता है ना, तो वो दिखाई नहीं पड़ता है, वो नीचे होता है. और इसकी वजह से कई बार जो जहाजें वहां से गुजर रही है, वो जो जहाज वहां से गुजर रहे हैं उनके नीचे वो लगता है, और उसकी वजह से उनको नुकसान होता है. कोई जहाजें तो डूब भी जाती. तो उन्होंने सोचा, इस पादरी ने सोचा कि भाई क्यों ना इसको, उसका नाम है एबट ऑफ एबरब्रोथो, है ना. तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई मैं यहाँ पर एक कुछ ऐसी वस्तु यहाँ पर रख देता हूँ जो पानी पर तैरेगी, और उसको मैं बेल बांध दूंगा, ताकि वो बेल जैसे ही वो लहरें वहां से बहती रहे, तो ये बेल हमेशा बजती रहे, ताकि आने वाले लोगों को, चाहे वो अंधेरा हो, चाहे दिन हो, या फिर कोई भी कैसा भी मौसम हो, आने वाले लोगों को पता चले कि भाई ये बेल है, इसका मतलब यहाँ पर वो चट्टान भी है, तो हमें धीरे से यहाँ से जाना होगा, हमारी स्पीड हमको कम करनी होगी, है ना. पर एक राल्फ द रोवर नाम का जो एक डकैत है, डाकू है, समुद्री डाकू है, वो क्या करता है कि वो बेल को काट देता है, क्योंकि लोग जब एबट ऑफ एबरब्रोथो को वो बेल सुनते हैं, तो हर बार अपने दिल से उनको दुआएं देते हैं, तो उसको ये बुरा लगता है कि लोग उसको क्यों दुआएं देते हैं. इसलिए उसने सोचा कि मैं ये बेल काट देता हूँ, ताकि आने वाला कोई भी इंसान उसे अब दुआएं नहीं देगा. और वो बेल काटने के बाद बहुत दूर निकल जाता है, और निकलने के बाद वो बहुत सारा पैसा कमा लेता है लूट से, है ना. वो लूट करके बहुत सारा पैसा कमा लेता है, और जब वो स्कॉटलैंड की ओर आने लगता है, तो उस दिन समंदर में बहुत घना कोहरा छाया हुआ है, तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लहरें भी नहीं उठ रही है, तो वो बेल की आवाज भी नहीं उनको सुनाई पड़ रही है, तो कुछ भी नहीं, है ना. हालांकि बेल तो उसने ही काट दिए, तो सुनाई देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. और जैसे ही वो चट्टान के पास आते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे अगर ये बेल होती तो कितना अच्छा होता, वगैरह वगैरह. पर बहुत देर हो चुकी है, और वो जाकर चट्टान से टकरा जाती है उनका जहाज. तो वो जब वो चट्टान से टकरा जाता है, तो वो टूट जाता है, और वो जो राल्फ द रोवर है जिसने वो बेल काटी थी, वो खुद भी डूबने लगता है. अब उसको इंचकेप बेल तो नहीं सुनाई देती, पर उसको खुद की नेल सुनाई देती है. नेल का क्या मतलब होता है कि मृत्यु घंटा जिसको कहते हैं हम, वो सुनाई दे रही है ना. तो इस तरीके की ये कविता है. आगे बढ़ते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की ओर. क्वेश्चन नंबर A1, नरेट इन ग्रुप्स द सीन्स डिस्क्राइब्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम. बिगिनिंग ऑफ द पोएम में क्या डिस्कस किया है, ये हमको डिस्क्राइब करना है. अभी क्या डिस्कस करना है, तो क्या कहा गया है पोएम में, हमको क्या कहा गया है. क्या कहा गया है कि एक स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि एक पादरी है जो वो बेल वहां पे टांगता है, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, उनकी जहाज डूबे नहीं, उनकी कोई एक्सीडेंट ना हो, इसलिए, है ना. तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं.
ए टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी ये स्टेटमेंट्स हमको कंप्लीट करनी है, ये तो हमको ग्रुप एक्टिविटी है तो यहाँ पे हम उसको नहीं कर सकते, उसको हमको ये सेकंड हम कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स तो कर सकते। द एबट ऑफ एबरब्रोथो प्लेस द बेल ऑन इंच टेप रॉक बिकॉज, क्यों प्लेस की है? बिकॉज बिकॉज ही वॉन्ट्स टू अवेयर द सेलर्स सेलर्स ऑफ द इंचकेप रॉक, ऑफ द डेंजरस इंचकेप रॉक, है ना, डेंजरस है, ऑफ द डेंजरस DANGEROUS डेंजरस इंचकेप रॉक। ओके, लोगों को पता चले कि यहां पर एक बहुत ही खतरनाक ऐसी चट्टान है जिसको आकर आप टकरा के आपकी जहाज डूब सकती है, इसीलिए उन्होंने वहां पर वो बेल, द मैरिनर्स वर ग्रेटफुल टू द एबट ऑफ एबरब्रोथो बिकॉज बिकॉज हिज एक्ट हैज हैड सेव्ड देम फ्रॉम हिटिंग द रॉक, है ना, उसकी वजह से। क्यों उनको वो सारे सारे लोग उनको क्यों धन्यवाद दे रहे हैं, उस पादरी को क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? क्यों? कि उसकी की गई एक कृति की वजह से वो लोग उस चट्टान पर जाकर टकराने से बच जाते हैं, उनके जहाज डूबने से बच जाते हैं, इसीलिए वो उसको धन्यवाद देते हैं। द रिजल्ट ऑफ थिक हेज दैट कवर्ड स्काई वॉज दैट इट डिडंट लेट द सेलर्स सी एनीथिंग अराउंड, है कि नहीं? क्या हो गया? घना कोहरा छाने की वजह से वो आसपास जो कुछ भी है वो देख नहीं पा रहे थे, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इंचकेप रॉक कितनी दूर है, वो कहां पर है ना। रोवर इन फ्रस्ट्रेशन पुल्ड हिज एयर एंड कर्स्ड हिमसेल्फ बिकॉज बिकॉज इट वॉज ओनली हिम इट वॉज ओनली हिम हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीज डेथ, है कि नहीं? अभी आखिर में वो खुद को कोस क्यों रहा है? क्योंकि उसी की करनी की वजह से वो आज मर रहा है ना, तो इसीलिए वो खुद को कोस रहा है। गिवन बिलो आर द इवेंट्स दैट गिव द थीम ऑफ द पोएम इन अ जम्बल्ड फॉर्म अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एज पर देयर अकरेंस। अभी देखिए इसमें हमको क्या कहा गया, ये बहुत जरूरी है। अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस एज देयर अकरेंस, मतलब कविता में वो जिस तरह से आते हैं उस तरह से हमको ये लिखने हैं, समझ में आ गया? तो देखो सबसे पहले के द एबट ऑफ एबरब्रोथो हैड प्लेस अ बेल इन ऑन द ऑन अ बॉय ऑन द रॉक, है ना, ये हो गया पहला सेंटेंस। फिर बाद में दूसरा क्या है, द वेव्स वर सो स्मॉल दैट दे डिड नॉट मूव इनफ टू रिंग द बेल, है ना, मतलब ये कविता में जिस तरह से आते उस तरह कहानी जिस तरह से, मतलब कहानी में देखिए अगर कविता और कहानी दो अलग अलग चीजें हैं, क्यों? कि कविता में सबसे पहले तो जिक्र आता है कि किस तरह से वो बेल प्लेस की गई, और उसके भी पहले जिक्र आता है कि उस दिन का माहौल कैसा था, और उसके बाद में वो स्टोरी आती है, और उसके बाद में राल्फ द रोवर की स्टोरी आती है ना, ये कविता में है। पर हमको क्या करना है कि हमको कविता में जो, और स्टोरी अगर देखा जाए वैसे तो क्या है, पहले एबट ऑफ एबरब्रोथोक ने वो बेल लगाई, फिर इसने जाकर वो काट दी राल्फ द रोवर ने, और फिर वो आकर वहां पर मर गया, तो इस तरह से एक सीक्वेंस में स्टोरी चलेगी। पर ये कविता में ऐसा नहीं दिया गया है ना, तो वो अभी हमें ध्यान रखना जरूरी है। फिर बाद में राल्फ द रोवर बेंट ओवर फ्रॉम द बोट, है कि नहीं? तीसरा, देयर वॉज अ थिक हेज स्प्रेड इन द एटमोसफियर एंड राल्फ कर्स्ड हिमसेल्फ इन डिस्पेयर। चलो तो हम क्या कह सकते हैं इसको, इसका सीक्वेंस जो होगा बी ए डी सी ई, है ना, इस तरह का सीक्वेंस हम उसको कह सकते हैं। डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ एबरब्रोथो, बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट मतलब क्या कहते हैं, बड़े दिल, बिग हार्टेड, बेनेवोलेंट मतलब दयालु, या फिर उसको हम कहेंगे, हाँ दयालु एक समांतर शब्द उसको कहेंगे हम उसका, है ना, बेनेवोलेंट मतलब जो देने में कंजूसी नहीं करता उसको हम कहते हैं बेनेवोलेंट, है ना, दयालु, है ना।
बिग हार्टेड, उसके बाद में काइंड, काइंड भी कह सकते हैं कि लोगों के प्रति उसका वो बहुत ही संवेदनशील है ना। उसके बाद में हम कह सकते हैं वो क्लेवर भी है ना। क्लेवर क्यों? क्योंकि उसको एक 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 क्या कहते हैं, आइडिया सूझा कि भाई यहाँ पर अगर हम बेल्ट टांग दें तो सारे लोगों की जान बच सकती है, तो इसकी वजह से वो हम उसको कह सकते हैं वो क्लेवर भी है, काइंड है। उसके बाद में वो हेल्पफुल भी है ना। खुद के लिए उसने किया है क्या ये? बिल्कुल नहीं, ये दूसरों के लिए किया है ना। फिर क्या कह सकते हैं उसको? सेल्फलेस है ना, खुद के लिए कुछ भी नहीं किया है, लोगों के लिए सब कुछ किया है। ठीक है, चलो आगे की बात। क्वेश्चन नंबर 4, जेलस इज मोस्ट इनक्यूरेबल डिफेक्ट। जेलसी, सॉरी, जेलसी मतलब जलन है ना, जलन मतलब एक दूसरे से जलना, द्वेष, जलन की वजह से द्वेष पैदा होता है। जस्टिफाई, देखो अभी कैसे उसको जस्टिफाई कर। जेलसी इज द मोस्ट इनक्यूरेबल डिफेक्ट, मतलब नादुरुस्त है ना, नादुरुस्त होने वाला। कभी भी इंसानी स्वभाव में अगर जलन ये एक गुण है तो वो कभी भी उस दिमाग से निकाला नहीं जा सकता। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखो क्यों कि राल्फ द रोवर क्या है, बहुत पैसे वाला आदमी है, भले ही वो उसका काम गलत है पर वो बहुत पैसे वाला है ना। और उसको एक घमंड है कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, पर फिर भी उस पादरी के पास कुछ भी नहीं है। वो तो बेचारा एक पादरी है, सादा सुदा सादा सा पादरी है। उसको इतने लोग उसको क्यों दिल से दुआएं देते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसको इतना बड़ा क्यों मानते हैं? ये बेल की वजह से? ठीक है, कोई बात नहीं, वे बेल ही मैं काट देता हूं ताकि कोई उसको दुआएं ही नहीं देगा, है ना, तो वो काट देता है। तो ये जो जलन है, पर ये जलन आखिर में क्या, इस जलन की वजह से आखिर में क्या हुआ? आखिर में जलने वाले की ही जान चली गई। पादरी को कुछ हुआ क्या? पादरी को तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। तो जेलेसी इज द मोस्ट इनक्यूरेबल डिफेक्ट। वी कैन से दैट, वी कैन जस्टिफाई दैट जेलेसी इज द मोस्ट इनक्यूरेबल डिफेक्ट बिकॉज, और नॉट व्हाई, यस यस वी कैन से दैट इट्स मोस्ट इनक्यूरेबल डिफेक्ट एज वी कैन सी दैट राल्फ द रोवर बिकॉज ऑफ हिज जेलेसी अगेंस्ट और हिज जेलेसी विथ द एबट ऑफ एबरब्रोथोक कट द बेल so that he thought people would not praise him or people would not pray for his well-being anymore. But in the end, we find out that because of his jealousy, he himself was in trouble and finally he had to die because of that. है ना? तो इसको हम justify कर दें। But the rover's mirth was wickedness. Explain in this line in your own words. देखो अभी mirth का मतलब क्या होता है? मर्थ का मतलब होता है आनंद, है ना, या फिर क्या कहते हैं उसको, आनंद का अनुभूति, है ना। विकेडनेस का मतलब क्या होता है? दुष्ट प्रवृत्ति, है ना। अगर अभी क्या है, बट द रोवर्स मर्थ वॉज विकेडनेस, मतलब रोवर के हास्य, हास्य हम कह सकते हैं उसका, उसका हास्य या फिर उसके उसके चेहरे पर का जो स्मित है वो उसके दिल के अंदर की दुष्टता को दर्शाता है ना। बट द रोवर्स बर्थ वॉज विकेडनेस, देखो क्यों? वो उसने देखा कि अरे वहां पर तो बेल टंगी हुई है, जब उसने देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान छाई और उसने कहा चलो लोग, उसने अपने लोगों का आदेश दिया चलो हम उधर जाते हैं, मुझे वहां तक ले चलो, और जब वहां पे गया तो उसने वो बेल काट दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके चेहरे पर जो आनंद था, जो स्मित था, वो किस चीज का था? वो कोई खुशी का या फिर कुछ अच्छे कारण से नहीं था, तो वो उसके दिल के अंदर की जो दुष्टता है उसको प्रकट करने वाला था, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छा हास्य नहीं था, फिर अच्छे कुछ अच्छी बात उसमें नहीं थी। सम वर्ड्स इन द पोएम आर रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ शेप ऑफ मैरिनर्स लाइफ, गिवन बिलो आर द मीनिंग्स ऑफ दोस टर्म्स, आइडेंटिफाई द वर्ड, हेल्प्स इन स्टीयरिंग द शिप। शिप को मोड़ने वाला या फिर उसको आगे बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं, है ना, ROW, रो, है ना, तो उसको कहेंगे हम रोवर।
राल्फ दरोवर, है ना, राल्फ दरोवर वही कहा गया है। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द शिप, है ना, कल हमने देखा कि कील, KEEL, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट दैट शोज द डायरेक्शन, इसको क्या कहते हैं, बॉय, है ना। अनदर नेम फॉर शिप, शिप को हमने क्या कहेंगे, वेसल भी कह सकते हैं, उसको हम बोट भी कहेंगे, है ना। तो बहुत सारे नाम है ना। सिंकिंग साउंड, सिंकिंग साउंड को क्या है, गर्गलिंग, सिंकिंग साउंड को क्या कहा गया है, गर्गलिंग कहा गया है, GURGLING, गर्गलिंग, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, चलो अभी देखते हैं, है ना। बैलड, बैलड क्या होता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, पोएम हमने जब शुरू की थी तो मैंने आपसे कहा भी था कि बैलड क्या होता है, पर फिर भी एक बार इसको और एक बार अच्छे से हम समझ लेते हैं। अ बैलड इज अ सॉन्ग दैट टेल्स अ स्टोरी एंड इट कैन बी ड्रामेटिक, फनी और रोमांटिक। वो सबसे बड़ी बात है कि वो स्टोरी कहता है ना, कोई कहानी हमको बता रहा है। इट कैन बी ड्रामेटिक, फनी और रोमांटिक, तो इसमें रोमांटिक भी हो सकता है, एक लव स्टोरी हो सकती है, ड्रामेटिक हो सकता है, फनी भी हो सकता है कभी कभी, है ना। ट्रेडिशनली द बैलेट हैज बीन कंसिडर्ड अ फोकलोरिक वर्स नैरेटिव विच हैज स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस विद कम्युनल डांसिंग। अभी देखिए, ट्रेडिशनली मतलब अगर सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो बैलेड एक फोकलोरिक, फोकलोरिक मतलब क्या होता है, फोकलोर, फोकलोर मतलब लोक कथा, है ना, फोकलोर मतलब लोक कथा। ये बैलड जो होता है वो फोकलोर से जुड़ा है, लोक कथा से जुड़ा है। नैरेटिव, नैरेटिव मतलब स्टोरी, हैज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद कम्युनल डांसिंग, और इसमें क्या होता है कि कम्युनल डांसिंग होती है। कम्युनल डांसिंग मतलब कम्युनिटी, जो समाज होता है वो एक साथ आता है और कहानी कहते कहते वो डांस कहते हैं, गाते गाते डांस करते हैं, है ना। तो ये जो पोएम है, ये पोएम वो गा रहे हैं और गाने के साथ साथ वो उसके ऊपर नाच भी रहे हैं, तो इस तरह से उसको बैलेड को कहा गया है, मतलब जाना जाता है वैसे। जनरली द टर्म इज यूज फॉर अ नैरेटिव पोएम विच यूजेस एन एलिप्टिकल एंड हाईली स्टाइलाइज मोड ऑफ नरेशन। एलिप्टिकल एंड हाईली स्टाइलाइज मतलब बहुत ही ज्यादा, हम क्या कहते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच है, जो स्टाइल्ड राइटिंग है उसको ज्यादातर इससे जोड़ा जाता है बैलेट से, है ना, कि उसकी जो लैंग्वेज होती है बहुत ही ऊंचे दर्जे की लैंग्वेज होती है। द टेक्निक ऑफ रिपीटेशन वेरिएशन वी प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इट। रिपीटेशन की जो टेक्निक होती है वो उसमें बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। फ्रॉम 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स कलेक्शन ऑफ फोक पॉपुलर बैलेट्स बिगेन टू बी मेड। द फॉर्म वाज टेकन अप बाय सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट ऑफ द 18th सेंचुरी एज फोकलोरिक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। और 18th सेंचुरी के बाद ही ये जो फॉर्म है ये पॉपुलर होने लगा था, क्योंकि फोक भी उसमें आने लगा था, लोक गीत भी उसमें आने लगे थे। पॉपुलर बैलेड्स बिगैन टू बी मेड, 18th सेंचुरी से ही वो ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस मिला था। द फॉर्म वॉज टेकन अप बाय कुछ जो कवि है वो खास करके इस बैलेड के लिए बहुत जाने जाते हैं, क्योंकि उनको वो फॉर्म बहुत ही पसंद आता था, क्योंकि वो एक लोक कथा के तर्ज पर वो लिखा जाता था, इसलिए वो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जो था वो बहुत ही अच्छा लगता था। अ टिपिकल बैलेड कंसिस्ट ऑफ स्टैंजास दैट कंटेन अ क्वार्ट्रेन, क्वार्ट्रेन, है ना। और जो एक टिपिकल, एक यूजुअल बैलेड जो होती है वो क्या होती है, इट कंटेन्स, इट हैज अ स्टैंजा विच कंटेन्स अ क्वार्ट्रेन। क्वार्ट्रेन मीन्स क्या होता है, क्वार्ट्रेन मीन्स फोर लाइन्स और फोर पोएटिक लाइन्स, है ना। क्वार्ट्रेन का मतलब क्या होता है, फोर पोएटिक लाइन। सम बैलेड्स हैव रिफ्रेन, है ना। रिफ्रेन क्या होता है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच होता है ना, और रिपीटेड कोरस। अब कुछ कुछ में क्या है, रिफ्रेन और रिपीटेड कोरस क्या होता है, रिफ्रेन मतलब वो दो तीन लाइनें उसमें रिपीट होती है, मतलब कुछ एक चार पांच छह सात आठ लाइन के बाद वो तीन लाइनें वापस फिर से रिपीट की जाती है, फिर और सात आठ लाइन्स के बाद और वो तीन लाइन्स रिपीट की जाती है ना। तो जैसे वो कोरस गा रहा हो ऐसे, इस तरह से, जस्ट लाइक सॉन्ग डज।
द राइम स्कीम और एड्स म्यूजिकल क्वालिटी टू द पोएम, और उसको एक राइमिंग स्कीम भी होती है जिसकी वजह से वो एक म्यूजिकल, एक गीत की तरह लगता है, ना सिर्फ कविता। One of the famous ballad is the Rime of the Ancient Mariner by English poet Samuel Tyler Coleridge, ST Coleridge नाम से जाना जाता है, है ना? इनकी इनके द्वारा RIDGE ST Coleridge, the Rime of Ancient Mariner बहुत ही इंग्लिश की एक जानी मानी ballad है ना? तो ballad समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस तरह से बैलेड पोम्स भी होती है, और बैलेड पोम्स जो होती है वो बहुत ज्यादा 18th सेंचुरी में पॉपुलर हुई थी। चलो अभी आगे, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर दिए गए हैं और इसमें से हमको पहचानना है। फॉर एग्जाम्पल, द राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर, राल्फ द रोवर टोर हिज हेयर, है ना? Alliteration, the close repetition of consonant sounds. ये Ralph Rover. No stir in the air, no stir, no stir in the air, no stir. मतलब ये words repeat हुए थे, इसको क्या कहेंगे हम? Repetition. क्यों? क्योंकि words repeated, है ना? Words repeat हुए. On a buoy in the storm, it floated and swung. अभी देखो इसमें इसमें क्या कहेंगे, इसमें क्या हुआ है? रिपीटिशन कर लिया है, एलिट्रेशन हो चुका है ना? अभी देखो, ऑन द बॉय इन द स्टॉर्म इट फ्लोटेड एंड स्वंग, तो देखो इसमें इसमें ये है इन्वर्जन एक्चुअली, है ना? इसमें है इन्वर्जन, क्यों? कि जो जो एक नॉर्मल फॉर्म होता है ना, हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? पर यहाँ पर देखो, अभी इसमें अगर आप सेंटेंस को अच्छी तरह से देखोगे तो इसको अगर आपको कहा गया है कि इसमें एरर क्या है, तो आप कोई भी इजीली पहचान सकता है कि इट फ्लोटेड एंड स्वंग ऑन अ बॉय इन द स्टॉर्म, ऐसा होना चाहिए, है ना? मतलब ये जो पार्ट है ये सेकंड होना चाहिए, ये फर्स्ट होना चाहिए, पर उसको क्या किया गया है? उल्टा किया गया है, तो इनवर्स किया गया है, उसको उलट दिया गया है, तो इसके लिए वो इन्वर्जन है ना? डाउन सैंक द बेल विद अ गर्गलिंग साउंड, गर्गलिंग साउंड मतलब जो डूबने वाला जो आवाज है, उसके डूबने की जो आवाज है, वही आवाज यहां पर वही आवाज यहां पर दी गई, गर्गलिंग, 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 है ना? तो वो डूबते हुए ऐसी आवाज आती है। द साउंड इज एक्सप्रेस्ड, है ना? जो साउंड वो बना रही है वही उसको एक्सप्रेस किया गया, इसके लिए वो ऑनोमेटोपिया, है ना? The devil below was ringing his knell. अभी ये devil below कौन है? Devil below कौन है? Devil below है उसकी death, है ना? Death को क्या कहा है? Devil below, है ना? तो एक चीज को compare किया गया है और इसमें like और as नहीं use हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे हम? Metaphor, है ना? ये है metaphor. The ship was As still as he, as she could be. अब शीप को क्या कहा गया? Person, she कहा गया, it should be it, है ना? है ना? तो इसको क्या कहा गया? Personification, क्योंकि इसको एक क्वालिटी दी गई है। किस चीज की क्वालिटी दी है? पर्सन की, क्वालिटी ऑफ अ पर्सन इज गिवन, शीप वॉज स्टिल एज शी कुड बी, है ना? तो यह हो गया पर्सोनिफिकेशन, हो गया। ऑन द डेक The rover takes his stand on the deck. The rover, अभी अभी फिर से इसमें देखो इन्वर्जन है. Rover takes his stand on the deck. ऐसा होना चाहिए ना? फिर से इन्वर्जन. और ओ क्राइस्ट apostrophe, है ना? क्योंकि वो भगवान से बात कर रहा है. ओ क्राइस्ट, है ना? और भगवान सुन रहे हैं क्या अभी उसकी बात? Talking to God. समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हमने देख ली है, तो आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी दो क्वेश्चंस बचे हैं तो उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। राइट एन अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ऑफ द इंच के प्रॉक, इसका कैसा लिखेंगे अप्रिसिएशन? अभी देखो इसके पोएट के बारे में लिखना है। देखो आप अप्रिसिएशन में हम क्या लिखेंगे? पोएट का नाम लिखेंगे,
पोएम की थीम लिखेंगे, क्या है थीम उसकी, डू गुड एंड यू विल गेट बेटर पेड, पेड यू विल गेट द रिवॉर्ड, एंड डू बैड एंड यू विल गेट द पनिशमेंट, है ना, इसकी थीम है। तो उसके बाद में उसका क्या कहेंगे हम, उसका लेसन क्या हमको मिलता है आखिर में, कि भाई कभी भी करना है तो अच्छी बात करनी चाहिए, वरना कुछ भी ना करो, है ना। उसके बाद में हमको क्या पसंद आया है, इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं ना, कौन से हुए हमने ऑलरेडी देखे हैं। उसके बाद में इसमें कौन सी लाइन आपको ज़्यादा पसंद आई है ना, विच लाइन यू लाइक द मोस्ट, फिर क्यों क्यों आपको पसंद आई है उसके बारे में लिखो, है ना। कंपोज 4 to 6 लाइन्स ऑन सी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ऐसे कोई ये कोई समझाने वाली बात नहीं है कि क्या लिख सकते हो आप इसमें, तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि भाई द सी आई लाइक द ब्लू सी, आई लाइक टू रोम ऑन द बीच लुकिंग एट द ब्लू सी मीटिंग द स्काई, है ना, तो कुछ भी लिख सकते हो। एक्सपैंड द आइडियाज ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, प्राइड गोज बिफोर द, ये आखिरी देखो इसके पहले ये आखिरी कर लेंगे हम, इसके पहले ये देखते हैं। The poem begins with without either sign or sound of the shock, the waves flowed over the Inchcape rock till the vessel strikes with a shivering shock. अभी देखो इसमें on the basis of the lines explain change, the change in the mood of these lines, explain the change in the mood, है ना। अभी देखो इसमें क्या है, इसमें एक calmness है ना, calmness है। इसमें क्या कहा गया कि कोई भी एक कोई भी साइन नहीं था, कुछ भी आवाज नहीं था, और वेव्स जो थी मतलब लहरें जो थी वो इंचकेप रॉक पर से गुजर रही थी, कुछ भी आवाज वहां पर नहीं आ रही थी, और यहाँ पर धड़ाम से, मतलब हम ये कह सकते हैं चेंज इन द मूड क्या है, कामनेस टू क्या कहते हैं डिस्ट्रक्शन, है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो शांतता थी यहाँ पर जो कामनेस है वो क्या कहते सकते हैं हम उसको हिंदी में, हम क्या कहते हैं कि तूफान के पहले की शांति, है ना, तूफान के पहले की शांति है, तो पहले शांति है फिर बाद में तूफान आकर टकरा जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। प्राइड गोज बिफोर अ फॉल, मतलब क्या है कि आदमी इंसान जब इंसान को अहम, है ना, अहम अहम भाव जिसको कहते हैं सताने लगता है, तो मान लीजिए कि उस इंसान की के बुरे दिन शुरू हुए, है ना। प्राइड गोज बिफोर फॉल मतलब क्या होता है कि कभी भी इंसान कब खत्म होता है, जब खत्म तभी होता है जब उसको खुद पर अहंकार, है ना, अहंकार से इंसान खत्म हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि प्राइड गोज बिफोर फॉल मतलब इंसान का खत्म होने का वक्त आ गया तो उसको अहंकार हो जाता है, फिर वो खत्म हो जाता है इस तरह से। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन मतलब क्या है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, है ना। टाइम एंड टाइड्स टाइड वेट्स फॉर नन टाइम 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 एंड टाइड वेट फॉर नन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता नहीं है, है ना। भले आप सोचोगे आज नहीं करते हैं कल करते हैं, पर नहीं, कल अगर करना है तो फिर समझ लीजिए कि वक्त आपके लिए रुकने वाला नहीं है, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस मतलब क्या है कि आप कुछ सोचते हो, है ना, आप खुद खुद के लिए कुछ सोचते हो, पर भगवान ने आपके लिए कुछ और ही सोचा है, है ना, कुछ और ही सोचा है ना। मतलब समझ में आ रहा है क्या कि आप तो कुछ करना चाहते हो, पर आपके लिए भगवान ने कुछ अलग ही सोचा है, तो जब भी आप कुछ करना चाहते हो वो सही नहीं होता है, वो गलत हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, हो सकता है ये देखिए ये एक बाजू है इसकी, दूसरी बाजू ये भी हो सकती है कि भाई ठीक है आप कुछ बुरा करना चाहते हो किसी का पर वो नहीं हो पाता, तो इसका मतलब क्या होता है, भले आप कुछ करना चाहते हो पर
भगवान भी तो है, वो भी तो देख रहे हैं। लुक बिफोर यू लीप, मतलब कहीं पर भी जब आप चलते हो तो चलने से पहले देखिए कि आप किधर जा रहे हैं, है ना। कूदने से पहले देख लीजिए कि भी वहां जहां मैं कूद रहा हूं वो जगह अच्छी है कि नहीं, नहीं तो फिर मैं पूरा डूब जाऊंगा अंदर, ऐसा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये एक्सरसाइज जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग की आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजिए, ताकि हम उसको देखकर उसमें कुछ बदलाव करना है तो कर सकते हैं। और अगर आपको ये समझ में आई है, आपको पसंद आई है, तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस पाने के लिए पवन वाघ अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।